नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। सर इधर भी दोनों जिला का जो है सटीक आसूचना तंत्र लगातार इसमें लगा हुआ था और बहुत ही सटीक सूचना दोनों एसपीज को मिली, जिसमें कि खूंटी और रांची के बॉर्डरिंग क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना की बात एसपी को पता लगी और उसके बाद एक जॉइंट टीम दोनों जिला की बनाई गई थी और वो लगातार इस ग्रुप को चेस कर रही थी और कल मध्यरात्रि में एक जॉइंट ऑपरेशन कैरी आउट किया गया और पुलिस को बहुत बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में प्राप्त हुई है। इसमें मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आतंक का पर्याय जो बना हुआ था अखिलेश गोप, जो कि एक इनामी उग्रवादी है, और उसके साथ ही विनोद सांगा और झुबलू, जो कि कुख्यात उग्रवादी रहा है PLFI का और कुछ दिनों पूर्व वो जेल से बाहर निकला है और रिसेंटली उसको एरिया कमांडर के रूप में इस क्षेत्र में उसने कार्य शुरू किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके कुल 11 साथी, टोटल कुल मिला के 13 PLFI उग्रवादी संगठन के सदस्य जो है सक्रिय सदस्य पकड़े गए और इस क्षेत्र में खासकर जो खूंटी और रांची का जो बॉर्डरिंग क्षेत्र है, जिसमें कि टुपुदाना, धुरवा, नगड़ी, रिंग रोड और कर्रा और खूंटी का जो इलाका है, खूंटी थाना क्षेत्र में, इधर थोड़ा बड़ा ही दोनों से बात कर लेंगे। सर वो खोलेगा नहीं सर? दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र में PLFI के PLFI उग्रवादी संगठन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि कई सारे इनके जो इनामी उग्रवादी है, इस संगठन के जो नेता है वो या तो पकड़े गए हैं या पुलिस मुठभेड़ के क्रम में मारे गए हैं। कई लोगों ने सरेंडर भी किया है, कई उग्रवादियों ने। उसके पश्चात विगत कुछ दिनों में PLFI के उग्रवादी संगठन की गतिविधि खूंटी और रांची के बॉर्डरिंग एरिया में लगातार दिखाई दे रही थी और एक रिसर्जेंस की तरह कुछ घटनाएं भी घटित हुई थी, जिसमें कि लगातार PLFI उग्रवादियों के द्वारा जो विकास के काम में कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे, उनसे लगातार रंगदारी की मांग की जा रही थी। कुछ हिंसक घटनाओं को भी इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। इसी क्रम में SSP रांची और SP खूंटी की एक जॉइंट टीम लगातार इस पूरे संगठन और इसके इसमें शामिल लोगों के जो उग्रवादी है उनको ट्रैक कर रही थी। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।